ओएन टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी कॉमन सेंस के साथ मैं हूँ ईमन भट्ट। आज नाज़रीन हम लोग मौजूद हैं इस्लामाबाद के ट्रेल 3 पर और आज हम देखते हैं कि यहाँ पर वर्जिश के दौरान लोगों का कितना दिमाग काम करता है, कितनी कॉमन सेंस, कितने परसेंट कॉमन सेंस जो है उनकी काम करती है। हमारा आज का सवाल है, क्या एक आदमी अपनी बेवा की बहन के साथ शादी कर सकता है या नहीं? तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाम है आपका? जैना। क्या करती हैं जैना आप? मैं प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग कर रही हैं, तो आपके अंदर काफ़ी नॉलेज होगी। काइंड ऑफ। कॉमन सेंस कितनी है आपके अंदर? थोड़ी बहुत होगी। कितने परसेंट है? 70-80। अच्छा, तो मैं आपसे अब एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने इसका आंसर सही सही देना है, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं? बेवा की? क्या नाम है आप? आतिक अहमद। क्या करते हैं आतिक? कॉलेज में। कौन सी? फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर? सेकंड ईयर। अच्छा, कॉमन सेंस है? है ही। सोच लें। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने इसका आंसर सही सही देना, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं? क्या नाम है आपका? ईमान अफसर। ईमान, क्या करती हैं आप? अभी ए लेवल्स कंप्लीट किए। अच्छा, ए लेवल्स है तो आपके अंदर तो नॉलेज बहुत ही ज़्यादा होगी शायद। कॉमन सेंस है? थोड़ी बहुत। चलिए मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर रही हूँ, एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं? कर सकता है। कैसे कर सकता है? अगर उसकी बहन होगी तो जाएगा उसे कहकर शादी कर लो उससे। कॉमन सेंस कितनी है आपके अंदर? बट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं आपसे एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन करती हूँ, आपने इसका आंसर देना, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं? एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अच्छा, क्या करते हैं अब्दुल्ला? स्टडी कर रहा हूँ। क्या स्टडी करी? DIT करो। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके अंदर कॉमन सेंस है? है। कितने परसेंट है? 70%। सही, कॉन्फिडेंस से बताएं। कॉन्फिडेंस से। ठीक है, मैं आपसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन कर रही हूँ, आपने उसका सही सही आंसर देना, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है? कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदन। अच्छा, आपके अंदर कॉमन सेंस है? कितने परसेंट है? ये तो सवाल पूछेंगे तो पता लगेगा। फिर भी अंदाजन आपके अंदर कितने परसेंट कॉमन सेंस है? 50% तो होनी चाहिए। यानी आपको श्योर नहीं है कि 50% है या नहीं है? नहीं नहीं, श्योर है। अच्छा, सवाल ये है कि एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता है या नहीं? एक आदमी अपनी बेवा की बहन से, बेवा की, मैं असल में पठान हूँ ना, तो ये बेवा मुझे पता ही नहीं है क्या है। देखता हूँ, ये तो नहीं पता। एकदम आप दोबारा सोच लें, वाकई क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ें अपने माइंड में और सोचें। मेरी नॉलेज के मुताबिक तो ये कोई मतलब ऐसा लॉ तो नहीं है कि नहीं कर सकते। अच्छा, एक दफ़ा आप क्वेश्चन दोबारा से सोचें और फिर उसका आंसर। एक आदमी अपनी बेवा की बहन से शादी कर सकता? जाहिर वो शादी करेगी तो फिर शादी, वो शादी करना चाहेगा तो शादी होगी ना। यानी आपके लिए लीगली रॉन्ग नहीं है? नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। कर सकते? आपके लिए लीगली रॉन्ग नहीं है? राइट क्यों है? साहब जाइए। है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। कर सकता अंकल ने क्या दिया, अब कर सकता होगा अंकल पे नहीं ना, आप अपने कॉमन सेंस यूज करें ना।
कर सकता है, कर सकता है। श्योर है, आंसर लॉक कर दे। ओ आदमी मरा हुआ था, बेवा की बहन कैसे होगी? ठीक है, दैट वाज द राइट आंसर, अपने लिए क्लैपिंग कर दी। नहीं, बहन से तो शादी हो सकती है, लेकिन वो बेवा कैसे होगी जब वो मरेगा ही नहीं तो। ठीक है, सही आंसर है, थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, वर्जिश ना सिर्फ इंसान के जिस्म पर बल्कि उसके जहन पर भी बहुत मुस्बत असरात मुरतब करती है। जैसे कि आपने देखा कि आज के सवाल का जवाब बहुत सारे लोगों ने दुरुस्त दिया और ये वर्जिश का ही नतीजा है। इसी के साथ कैमरामैन मलिक नकाश और मुझे एमन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नगहबान।